सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार शरीफ में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त समेत दो अंतरजिला अपराधियों को घटना में प्रयुक्त हथियार के अलावे अन्य कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना के संबंध में हम आपको बताते चले कि नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी पहाड़ी रोड में सुहागन ज्वेलर्स में पिछले 13 जनवरी को लूट के बाद स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो अंतरजिला लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मसौढ़ी निवासी स्वर्गीय रामानुज यादव के पुत्र अरविंद कुमार उर्फ भीम यादव और पटना जिले के बहादुरपुर निवासी राजू पासवान के पुत्र धनंजय कुमार उर्फ भोक्ता के रूप में की गई है। बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, लूटी गई 2 पायल एवं ज्वेलरी की थैली बरामद हुई है। नालंदा एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि देर रात्रि सोसराय थाना क्षेत्र के कखड़ा में बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अंतरजिला अपराधियों को धर दबोचा। इस दौरान कुछ अपराधी भागने में सफल हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि पिछले 13 जनवरी को बदमाशों ने सोसराय के मगध कॉलोनी निवासी सुहागन ज्वेलर्स में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने संचालक सुमन कुमार उर्फ चिंटू की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दिया था। मृतक के पिता नंदलाल प्रसाद ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। नालंदा एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि लूट व ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या में पूर्व में पटना के फुलवारी शरीफ निवासी अमित कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कार व हथियार भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था। पूछताछ व तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था और रात्रि में बदमाश फिर से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में संलिप्त अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड के मामले में अब तक अंतरजिला 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों अपराधी पटना जिले के ही शामिल हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।